देखते ही देखते शहर के दो सीनियर सिटीजन मार डाले गए। तो क्या अभी शहर में बुजुर्गों को इस तरह से कत्ल होते हुए देखते रहेंगे? हेलो सर, मैं जय बोल रहा हूँ। सर अभी कुछ देर पहले मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था, जहां तक मेरा ख्याल है उस गाड़ी में वही कातिल था जिसने शहर में सीनियर सिटीजन का कत्ल किया है। सर मैंने उस पर गोली चलाई और जहां तक मेरा ख्याल है मेरी गोली उसे लगी भी, वो जख्मी हुआ लेकिन सर वो तो भी मुझे चकमा देकर निकल गया। अजय इस वक्त तुम कहां? सर इस वक्त मैं रिंग रोड खंडाला घाट के बीच में हूँ। मतलब मेरी हॉस्पिटल के आसपास? नहीं सर, वो तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है अजय, तुम अपना ध्यान रखो। यस सर। मदर मेरी हॉस्पिटल कम। आप कहाँ जा रहे हैं? आप फादर की इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकते। I'm sorry, nurse. मैं ऐसी भी विदेह हूँ। आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। फादर कहाँ? फादर अपने मरीजों से मिलने गए, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। एसीपी विजय, आप विदाउट परमिशन यहाँ आ गए। यह हॉस्पिटल है, कोई पब्लिक पार्क नहीं। फादर मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं कानून की कदर करता हूं लेकिन आप भी जो कुछ कर रहे हैं ये मत समझिए कि मुझे पता नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं फादर कि आप किसकी मरहम पट्टी करके आ रहे हैं? एसीपी विजय, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि यहां 22 साल पुराने ऐसे मरीज हैं जिनके जख्म अब नासूर बन चुके हैं। नासूर? नासूर समझते हैं ना आप? नासूर उस जख्म को कहते हैं जो कभी ठीक नहीं होता, कभी भरता नहीं, ब्लीडिंग होती रहती है उसमें से। एक्सक्यूज मी फादर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं किसी
हमदर्दी के तहत किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मुजरिम को बचाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं एसीपी साहब। मैं इस इलाके में 30 साल से काम कर रहा हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कल्प्रिट कौन है और किलर कौन। बाद फिर तो आप यह भी बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि 4 सीनियर सिटीजन को मौत के घाट उतारा जा चुका है। एसीपी साहब, आप उन्हें सीनियर सिटीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एज अबव 60 ईयर्स थी। वो लोग जो सबूत की कमी से बच गए, कानून ने जिसे बरी कर दिया, वो लोग आज भी समाज के, इस सोसाइटी के मुजरिम हैं और गॉड उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। एसीपी विजय, मे गॉड हेल्प यू टू फाइंड द कल्प्रिट। डॉक्टर आला, आज आपको एक ब्लड सैंपल देकर गए। यस सर, वो ब्लड सैंपल तो उन्हें जंगल में मिला था। वेट, मैं एक दूसरा ब्लड सैंपल लेकर आया। मैं जानना चाहता हूँ कहीं ये दोनों ब्लड सैंपल एक ही आदमी के तो, और ये रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द। ठीक है सर, मैं आपको जल्द ही रिपोर्ट दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आज मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, जितनी जल्दी हो सके चावला और सानी को अपने सीक्रेट चैंबर में बुला लो, क्योंकि कातिल का अगला निशाना वही बनने वाले हैं। ओके? आइए मिस्टर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम लोगों को यहां क्यों लाया गया। मैंने तो सोचा था कि आपको यहां आने का कारण मालूम। जी नहीं। एसीपी साहब, प्लीज हमें बता दीजिए यहां आने की वजह क्या है। देखिए, सरसा ट्रेडी के साथ लिंक जितने भी लोग थे उनकी हत्या की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर पंकज सेठी की हत्या। क्या? क्या? ये कोई सरफिरा कातिल है जो सरसा ट्रेडी के मुकदमे से बरी हुए लोगों की हत्या कर रहा है। कुल 6 लोग जिनमें से 4 की हत्या कर दी गई। अब दोनों बच्चे, इसलिए जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता आप दोनों की जिम्मेदारी। थैंक यू एसीपी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें प्रोटेक्शन दिया, लेकिन हमारी फैमिली मेंबर्स का क्या होगा सर? उसका आप फिक्र मत, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दे दी गई। वैसे अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा वाक्य तो नहीं आया कि आप लोगों की फैमिली को कुछ कहा। आइए बैठिए, मैं आपको बताऊं। बैठिए। थैंक्स। थैंक यू। बैठिए। देखिए, मुझे आपसे पुरानी बात, आप लोगों ने सिरसा ट्रेजेडी विक्टिम्स के परिवारों को कुछ फंड्स दिए? जी हाँ, जहां तक मुझे याद है कोई 40 परिवार थे जिनके बच्चों के लिए हमने घर, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए खर्चे दिए थे। अपनी तरफ से जितनी भी हो सकती थी हमने उनकी मदद की थी। हालांकि इस पूरे मामले में हम लोग बेकसूर थे, सारी गलती हमारे ओवरसीज की थी। ये भी सच है कि उसमें से कुछ ओवरसीज ऐसे थे जिन पर हम यकीन करते थे, हम लोग छूट गए और गुनेगारों को सजा हुई। गुनेगार? थैंक यू मिस्टर साहब। थैंक यू मिस्टर, अब फिक्र रहिए, आप यहां सुरक्षित। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं। हेलो सर, डॉक्टर राधा ही है। हाँ डॉक्टर। सर, वो दोनों ब्लड सैंपल एक ही ब्लड ग्रुप के हैं और वो एक ही आदमी के हैं और ये ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये जनार्दन साहब कह रहे थे, ये सब थोड़ा आगे जाएंगे, सामने ही। जनार्दन कौन? आप ओवरसीयर जनार्दन?
ओवरसियर जनार्दन तो 22 साल पहले मर चुका है। मैं इसी पे भेजा। क्या मुझे आप गिरफ्तार करने आए? नहीं मिस्टर जनार्दन, मैं आपसे कोई सवाल पूछने आया। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं तो अपने उस गुनाह का सजा भुगत चुका हूं जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। 10 साल तक मैं जेल में चक्की पीसता रहा। इन 10 साल में मेरी बूढ़ी माँ सिसक कर मर गई और मेरी पत्नी टीवी से दम तोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में क्या रह गया? सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर जनार्दन, बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुनकर। एक बात बताइए, ये चीफ इंजीनियर माथुर कैसे आदमी थे? वो सारा धन का लोभी चांदी का कीड़ा था। अरे पैसे की खातिर तो अपने बाप को बेच देता। वो कमीना खुद तो बच गया लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एसीपी साहब, ऊपर वाला इंसाफ करता है। जिस इंसान ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसे घसीटा था, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो अपने हाथों से मैं उसे इनाम दूंगा। मिस्टर जनार्दन, आपने चीफ इंजीनियर माथुर को तो गालियां दे दी, लेकिन आपने कैप्टन रंजीत के बारे में कुछ नहीं कहा जिसने सारे केस की इंक्वायरी की। एसीपी साहब, रंजीत आर्मी के कोटे से पुलिस में आया था। वो एक जुझारू, होनहार, लगनशील पुलिस ऑफिसर था और उसने सारे मुजरिमों को अपने घेरे में ले लिया था। लेकिन वकीलों का दलाल सक्सेना, उसने बिल्डरों के थैलियों के मुंह खोल दिए थे और सारे झूठी गवाही दिलवाकर हम जैसे बेगुनाहों को सजा दिलवाया। एसीपी साहब, अब ये सारे के सारे एक एक करके मारे जा रहे हैं। ये मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरा करियर, मेरी जिंदगी के दुश्मन थे। अब जो बच गए हैं उनको सजा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा एसीपी साहब, अब कोई नहीं बचेगा। सर, आपके कहने पर मैंने कैप्टन रंजीत की सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली है। हेल्थ ग्राउंड्स पर उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। वेरी गुड इंस्पेक्टर कविता, हमारा हर रास्ता मिशनरी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। मैं तुम्हारी दी हुई डिटेल्स पर गौर करूंगा। वैसे हमारा कैप्टन रंजीत से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें असली कातिल की पहचान करवा सकता है। सर, हवलदार नायक ने बताया पूना के मॉडल टाउन में कैप्टन रंजीत अपनी बेटी के साथ रहते हैं। यस, मैं इसी पे भेजा। आइए बैठिए। थैंक यू। मैं सुमन, कहिए। मैं कैप्टन रंजीत से मिले। पापा, पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। या? हाँ एसीपी साहब, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। आज से 22 साल पहले सिरसा डैम ट्रेजेडी हुई थी। उस केस की इंक्वायरी मेरे पापा ने की थी। जो लोग गुनेगार थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो लोग निर्दोष थे उन्हें सजा दी गई। मेरे पापा आर्मी से सिविल सर्विस में गए थे, इसीलिए वे डिसिप्लिन तो नहीं तोड़ पाए, पर इस बात का उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल मेंटल असाइले में गुजारे थे। वेरी सैड मिस, आई एम सॉरी ये सब कुछ बताने में आपको तकलीफ हो रही है। नहीं एसीपी साहब, ये जख्म तो मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगे। जब पापा असाइलम में थे तब हमारे हालात कुछ ठीक नहीं थे, माँ से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए 3 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। I'm sorry, डेस्टिनी ने आपके साथ बड़ा भयंकर मजाक किया है।
नहीं एसीपी साहब, ये खेल डेस्टिनी ने ही खेला। ये खेल खेलने वाले तो वो लोग हैं जो पैसे और दौलत के बलबूते पर गवाहों और शहादतों को खरीदते हैं। वो लोग लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, खुद तो कानून की शिकंजे से बच निकलते हैं, लेकिन बहुत बहुत लोगों को मर मर के जीने के लिए कमजोर कर जाते हैं। मेरे पापा का करियर तो खत्म हो गया, वरना इस केस के लिए तो उन्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलता। थैंक यू मिस। एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रख, अगर किसी काम की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर ले। थैंक यू। इंस्पेक्टर अजय, इंक्वायरी करने पर पता चला है कि मेंटल असाइलम में से एक रात कुछ पागल भाग निकले, उनमें कैप्टन रंजीत भी शामिल थे। वो पागल उस नदी को एक नाव के जरिए क्रॉस करना चाहते थे। उस रात बाढ़ आई हुई थी, नदी का पानी चढ़ा हुआ था और बहुत सी बारिश हो रही थी। अचानक वो नाव उलट गई, उनमें से कुछ पागल तो बच गए, कुछ बह गए और कुछ मारे गए। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हालत कैप्टन रंजीत की थी उसमें उनको बचाना बड़ा मुश्किल था। आई थिंक ही इज डेड। व्हाट? कैप्टन रंजीत इज डेड? हाँ जी, ही इज डेड। अब मुश्किल इस बात की है कि जो आदमी हमें कातिल तक पहुंचाना चाहता था वो ही नहीं रहा, इसलिए हमें कातिल की तलाश वापस करनी पड़े। सर, मैंने ये लिस्ट तैयार की है, इसमें सिरसा डैम में मरने वालों के फैमिली मेंबर्स जो जिंदा बचे हैं उनके नाम है। उन मरने वालों में से एक ऐसा आदमी है जिसका रिश्तेदार चैरिटी हॉस्पिटल में है, जिसका नाम प्रदीप नायक है। इंस्पेक्टर कविता, मैं चाहता हूं कि तुम उस हॉस्पिटल के आसपास रहो। ओके सर। सर, हम क्यों ना फादर को यहां बुलाएं और उनसे पूछताछ करें, हो सकता है हमें पता चल जाए कि उन्होंने इलाज किसका किया था। नहीं इंस्पेक्टर, जहां तक मैं जानता हूं फादर डैनियल सिरसा ट्रेजेडी कांड के किसी भी गुनाहगार की मदद नहीं कर सकते। सर, फादर का किसी कातिल के साथ रिश्ता हो या ना हो, लेकिन उस कातिल का रिश्ता हॉस्पिटल में किसी न किसी के साथ जरूर है। मेबी। मैं प्रदीप नायक, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? प्लीज कम इन। थैंक्स। देखिए, मैं आपके फादर कैप्टन रंजीत जी का जबरदस्त फैन हूं और मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जो सिरसा डैम ट्रेजेडी की विक्टिम थी। उस ट्रेजेडी में मेरी मां, 2 बहनें और 1 भाई मारा गया। मेरे पिता 22 सालों तक मिशन अस्पताल में दुख और तकलीफें झेलते रहे। अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। सिरसा डैम ट्रेजेडी ने तो मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया। दरअसल मेरे आने की वजह कुछ ऐसी है। आपके पापा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और इस डैम ट्रेजेडी में तबाह हुए लोगों को इंसाफ दिलाने में लगे रहे। दरअसल वो मेरे हीरो हैं और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने हीरो की बेटी को उनके जन्मदिन पे ये फूल भेंट करने आया हूं। प्लीज। पापा के जाने के बाद मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज उनका जन्मदिन है। आप अगर नहीं आते तो शायद मुझे याद ही नहीं आता। जिन लोगों ने हमें इस हाल में पहुंचाया है वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मिस्टर प्रदीप, क्या उन लोगों को सजा मिलने से आपका परिवार या मेरे पापा लौट आएंगे? नहीं, मगर फिर कोई भी गुनाहगार दोबारा ऐसे गुनाह करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जुर्म को अगर रोका ना जाए तो बार बार अपना सर उठाता है। बाय द वे, आई एम इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच।
मिस्टर प्रदीप आपको मेरे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर? नहीं मिस्टर मन, ये मामला बहुत गंभीर है, चार चार हत्या, अब चलिए प्लीज। बात बताओ मंदा भाई, क्या तुम उस आदमी को जानती हो जो उस रात तुम्हारे साहब को मिलने आया था? अब क्या बताएं साहब, लंबा सा मजबूत बदन था, उसकी ऊंचाई कुछ 6 फुट तक थी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। मंदा भाई उसके चेहरे का रंग, आंखें, बालों का रंग कुछ तो याद होगा तुम? रात का समय था, ठीक लाइट बिजली भी कुछ बराबर से नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका चेहरा चौड़ा था और उसकी आंखें, उसके सिर पे हेड पिन नहीं थी सर। गौर से देखकर बताओ कहीं ये आदमी वही तो नहीं? हाँ साहब, यही था वो आदमी। ठीक है मतलब तुम जा सकते। जब मैंने प्रदीप से पूछताछ की तो पता यह चला कि सिरसा डैम ट्रेजेडी में मरने वाले लोगों में उसकी अपनी खुद की फैमिली भी थी। सर वो कैप्टन रंजीत को अपना हीरो मानता है क्योंकि कैप्टन रंजीत ही वो आदमी था जिसने सिरसा डैम ट्रेजेडी के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें से कुछ लोग कानून के हाथों से निकल गए और अब वही एक एक करके मारे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सर के कैप्टन रंजीत ही अपने इस अधूरे काम को? हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें सबूत चाहिए। आपके बिना जिंदगी कितनी सुनी सुनी हो गई, अब मैं क्या करूं? मिस माथुर आप? जी हां मिस माथुर, जब आपसे पहली बार मिला था तब आपसे बात नहीं हो पाई थी, पति की मौत की वजह से आपकी हालत ठीक नहीं थी। हालात तो आज भी वैसे ही हैं। जब किसी के पति की मौत हो जाती है ना, उसकी पत्नी भी खत्म हो जाती है और फिर मेरे जैसी पत्नी जिसकी कोई औलाद ना हो, मैं हमेशा उनसे कहा करती थी ये लालच किसके लिए? दौलत की लालच ने उनसे ऐसे काम करवाए जिसका नतीजा आपके सामने है। आज उनकी फोटो पर हार चढ़ा है और मैं अपनी सुनी मांग लिए आपके सामने खड़ी हूं। मिसेस माथुर, जब बिल्डर जगताप की डेथ हुई मिस्टर माथुर ने कैसे रिएक्ट किया था? वो बहुत घबरा गए थे, उन्हें इसे फोन भी आया करते थे। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, सारे बाहर के काम मैं ही करती थी। लेकिन उनकी मौत तो पार्क में हुई थी अकेले। हाँ मैं जानती हूं, उनकी मौत होने से एक दिन पहले मैं मार्केट से सब्जी लेकर आ रही थी तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर निकलते हुए देखा।
मैंने माथुर साहब से पूछा भी। वो आदमी कौन था जो आपसे मिलने आया था? अरे भाई, वो मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे जीने की आजादी दी। अब मैं बड़े इत्मीनान से बिना किसी डर के बाहर जा सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, और मेरे मन के अंदर बैठा हुआ डर अब भाई बिल्कुल निकल गया। हाँ, मन का डर? किसे था ये डर? अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि जगदाब को किसी आतंकवादी ने उड़ा दिया? नहीं, वो एक ऐसा आदमी है जिसे सिरसा डैम की सारी सच्चाइयों का पता है। वो जगदाब से मिलने गया था, लेकिन जगदाब ने उसकी बात नहीं मानी और जगदाब मार दिया गया। मैंने उसकी बात मान ली और फिर मैंने उसे अपनी हिफाजत के लिए रख भी लिया। अब मैं चैन से जीऊंगा। भाई, चोर चोर मौसूरे भाई होते हैं। मैं भी चोर और वो भी चोर। पर वो आदमी कौन था? तुम ये जानकर क्या करोगी? उसके बाद वो बेफिक्र हो गए, रात को आराम से सोए और सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए। और